तो आप प्लान ट्रेन कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। रेगुलर ऑब्जर्वेशन दोस्तों, अगर नहीं करेंगे तो कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस पे, तो मैंने कुछ देखा दोस्तों, पहले भी देखा था पर इस बार इस प्लांट में पहली बार देखा। देखिए यहाँ कुछ वाइट सी चीज़ें चिपकी हुई है, बहुत टाइनी है, ये सब कुछ है जो कि नुकसान कर सकता है प्लांट को। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है, ये देखिए रूट तक फैला हुआ है, ये कुछ वाइट चीज है, बहुत ही टाइनी है दोस्तों, नजदीक से दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए ये जो वाइट सी चीज दिखती है बहुत ही बारीक, वो कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इसी चीज़ों को तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ब्रश लिया हुआ है, तो इस ब्रश से मैं स्क्रैप कर दूंगा इस सब को, जो भी हो हमें उसको केमिकल से निकाले या हाथ से निकाल सकते हैं तो हाथ से। ये वायर ब्रश नहीं है, ये कोई प्लास्टिक वाला ब्रश है, इसमें वायर नहीं लगे हैं। ब्रश के भी वायर वाला आता है, तीन सेट में आता है ऐसा वायर ब्रश, जो पुणे गया था तब लिया था, अब तो कभी हैंडीक्राफ्ट मेले में भी मिल जाता है। बट बात है इन चीज की जो यहाँ फैला हुआ है पूरे प्लांट में। उसके बाद मैं क्या करता था, पहले मिट्टी मल देता था इसमें, जो पेंट ब्रश आता है, आप हो सके तो फंगीसाइड भी मिलाकर मिट्टी का लेप इसमें लगा सकते हैं। बट ये चीज कभी कभी नुकसान करती है, अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो फिर ये चीज प्लांट पे हावी हो सकती है। तो दुर्घटना से सावधानी बली करके हमें उसको निकाल देना है, मैं तो निकाल रहा हूँ। ये प्लांट जल्दी से होता नहीं मेरे से, पहले भी मेरे पास एक था चला गया था, तो फिर पूरी केयर करनी होगी। एक और भी चला गया है तो यही बचा है अब ये कूलर में, और उसका प्रोपोर्शन में हमने ट्रेन करने की कोशिश की है। ऊपर की ब्रांचों में देखेंगे तो ब्रांचिंग होने लगी है और नीचे भी ठीक ठाक थिकनेस लाने लगे हैं हम, तो और ग्रोथ सीजन में हम और सेक्रीफाइस करेंगे लोअर ब्रांचों को, जिससे ये प्रोपोर्शन में दिखे दोस्तों। इस तरह का बड़ा सा प्लांट अगर हार्वेस्टिंग से लगा देते हैं तो मिल जाता है, पर इसमें प्रोपोर्शन लाना पड़ता है दोस्तों, जो अनुपात है वो नीचे की डालियां ऊपर की डालियों के से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। जबकि हम जब लगाते हैं इस तरह का प्लांट तो फिर ऊपर वाली डाली ही मोटी रहती है, तो उसका मैंने जुगाड़ ये निकाला कि ऊपर वाली डालियों को हम या ब्रांचों को ट्रिम करते रहे, तो ऊपर ब्रांचिंग होती रहेगी और नीचे वाली ब्रांचों को हम ट्रिम नहीं करते तो फिर वो मोटी होती रहेगी। तो इस तरह ग्रोथ पैटर्न का फायदा उठाना होता है। अब जितना हो सके इतना मैं निकाल दे रहा हूँ, और फिर यहाँ मैं स्प्रे करने वाला हूँ नीम ऑयल का, जो मैं लाया हूँ एक कुछ एग्रीकल्चर वालों का एग्री 82 वेस्टेज का भी प्रोडक्ट में लाया था, वो भी थोड़ी सी बूंदे मिलाई है मैंने, और कुछ कृष्णा बिजनेस वालों का कुछ ऑल क्लियर था उसको भी मिला दिया है। जो भी हो हमें तो फायदा मिलना चाहिए। सब कुछ मिला के यहाँ मैं स्प्रे करने वाला हूँ। एक बार के स्प्रे में कुछ नहीं होता, इतना याद रखे दोस्तों। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो एक बार के स्प्रे में कुछ होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते, हफ्ते में 2-3 बार कीजिएगा, पर कुछ हो उसका वेट करने से अच्छा है। ऐसे ही कभी कभी मूड में आ जाए आप तो स्प्रे कर दिया करे, कुछ काम ना हो तो फिर स्प्रे ही सही। तो इस तरह का आप रखेंगे वर्क पैटर्न तो फिर आपके पौधे बचे रहेंगे। मैं स्प्रे कर देता हूँ एज अ सेफ्टी, स्टेम पे पत्तों के नीचे भी करना जरूरी रहता है, कभी कभी इस तरह वाइट फ्लाई भी लगते हैं तो वो पत्तों के नीचे लगते हैं। और जो कुछ भी मिलाया है
उसको आंखों को भी बचाना है और नाक को भी। मास्क भी लगा सकते हैं, चश्मा भी लगा सकते हैं, जबकि मैंने कुछ नहीं लगाया। तो मैं स्प्रे कर देता पूरे प्लांट को ऊपर से नीचे से, पत्तों के नीचे जरूर डालिए स्प्रे, जिससे कोई भी कोना बचे ना। टी शर्टों ही मैं ऊपर चढ़ा लेता हूँ नाक पे, जिससे नाक में ना जाए। तो ये स्प्रे कर चुका हूँ। तो आप भी इस तरह ध्यान रखें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है दोस्तों, कुछ नहीं, पूरा भिगा देना है प्लांट को। अब ये अपने आप को रिकवर कर लेना चाहिए। वैसे कोई इफेक्ट तो नहीं दिखा, पर ये चीजें जो है वो अगर बढ़ जाती है तो नुकसान कर सकती है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।